नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते खबर की ओर। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के जरिए कांग्रेस केंद्र में बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में महंगाई, भ्रष्टाचार और केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस ने देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा से पहले दिल्ली में बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की है। इसी के तहत रामलीला मैदान में महंगाई पर इस रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ देशभर से कई अन्य नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। राहुल गांधी भी रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। राहुल के दोपहर करीब 1 बजे तक रैली में पहुंचने की संभावना है। तो कांग्रेस की हल्ला बोल रैली आज आयोजित की जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में ये रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर कांग्रेस केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तमाम मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हल्ला बोल किया जाएगा। तो वहीं दोपहर 1 बजे राहुल गांधी इस रैली में शामिल होंगे, रैली को संबोधित भी करेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली हल्ला बोल रैली के लिए कूच किया। दिल्ली में होने वाली रैली में रवाना होने से पहले पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर थानेसर हलके के कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचकर अपना रोष प्रकट करेंगे। कुरुक्षेत्र से ये खबर आपको बता रहे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली कूच किया है। हल्ला बोल रैली में शिरकत करने के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं। जब से केंद्र के अंदर मोदी सरकार आई है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। युवा को अग्निपथ योजना के अंदर झोंक कर उनके साथ मजाक किया गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 4 तारीख को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में की जाएगी। आज उसी कड़ी में थानेसर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ उस रैली में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली रामलीला मैदान में होने वाली हल्ला बोल रैली के लिए कूच किया है। दिल्ली में होने वाली रैली में रवाना होने से पहले पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर थानेसर हलके के कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचकर अपना रोष प्रकट करेंगे। और आपको बता दें कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटने शुरू भी हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि दोपहर करीब 1 बजे राहुल गांधी रैली में पहुंच सकते हैं, और जहां वो रैली को संबोधित भी करेंगे। तो कांग्रेस ने देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा से पहले दिल्ली में बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की है, और इसी के तहत रामलीला मैदान में महंगाई पर इस रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ देशभर के अन्य नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। सर, भारत जोड़ो रैली से यात्रा से पहले अब कांग्रेस जो है वो बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, ऐसे में क्या लगता है, क्या इस रैली का या तमाम तरह से जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्या इसका असर जनता पर पड़ेगा?
बजरंग दास गर्ग जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो बजरंग दास गर्ग जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। सर कांग्रेस एक बड़ी हल्ला बोल रैली आज आयोजित कर रही है दिल्ली के रामलीला मैदान में, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, कांग्रेस की एक तरफ हल्ला बोल रैली है जी, और वहीं कांग्रेस की से निकले हुए गुलाम नबी आजाद जी जम्मू कश्मीर के जम्मू एयरपोर्ट के बाहर एक बड़ी पोल खोल रैली कर रहे हैं। यानी दिल्ली में हल्ला बोल और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की पोल खोल जी। इसी प्रकार से कांग्रेस एक भारत जोड़ो नाम का अभियान चलाए हुए है, जबकि कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ो अभियान चलाए हुए हैं जी। तो एक जी आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज कम। हाँ, मेरी आवाज आ रही है जागृति जी? जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि दिल्ली में राहुल गांधी और उनके साथी जो हैं एक हल्ला बोल नाम की एक रैली कर रहे हैं। वहीं पर असल में जो राहुल गांधी जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से जो कांग्रेसी हैं वो पोल खोल कांग्रेस की रैली कर रहे हैं, जम्मू के अंदर कर रहे हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस एक अभियान चलाया है, अभियान का नाम रखा है भारत जोड़ो जी, और कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने अभियान चलाया हुआ है कांग्रेस छोड़ो। तो कांग्रेस छोड़ने से अगर भारत जुड़ता हो तो ऐसे पावन पवित्र कार्य को करना चाहिए, सभी को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। अगर कांग्रेस ही भारत के जुड़ने में अड़चन है तो ऐसी पार्टी को तिलांजलि दे देनी चाहिए। स्पष्ट तौर पर ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी खुद को पन्ना कर चुके हैं, आज एक बार और प्रयास कर रहे हैं। और सारा का सारा विषय यह है कि इस महीने अध्यक्षीय चुनाव उनके सिर पर आ पड़ा है, उसमें कुछ भी परिवार के यानी नकली गांधियों के कब्जे से कांग्रेस ना जाए। सारा का सारा ध्यान, सारा का सारी मुहिम, सारा का सारा जोर इस बात को लेकर है जी। आवाज बड़ी आ रही है बजरंग दास गर्ग जी, आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस हल्ला बोल रैली करने जा रही है दिल्ली के रामलीला मैदान में, इस रैली का आयोजन किया गया है, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा जनता पर इस रैली का? जागृति जी जी, रैली जो है देश के इतिहास में ऐतिहासिक रैली है जी, और भारी तादाद के अंदर लोग, लाखों की तादाद के अंदर देश के कोने कोने से लोग इस रैली के अंदर भाग ले रहे हैं। रैली है देश के अंदर जो महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था के विरोध के अंदर है। आज हर खाद्य वस्तु, जरूरत का सामान, मकान जो बनाना पड़ जाता है तो यहाँ तक कि कांग्रेस राज के अंदर 2014 के अंदर जो गैस सिलेंडर 400 रुपये हुआ करता, आज वो रसोई गैस 1100 रुपये हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी महंगाई हटाओ, भाजपा लाओ, और यहाँ कहा था मोदी साहब ने 2014 में वायदा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, नौकरियां दूंगा, महंगाई खत्म करूंगा, मतलब गैस का सिलेंडर 250 रुपए देंगे, पेट्रोल डीजल 35 रुपए देंगे। आज ये अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आपके सामने है, ये अच्छे दिन है। मेरे साथी मेरे अजीज जो अपने रावल जी कह रहे थे कांग्रेस के अंदर लोग छोड़ के जा रहे हैं, देखिए हरियाणा में एक आदमी छोड़ के गया है, और कम से कम 30 सीनियर नेता जो मतलब पूर्व राज्यसभा सांसद थे, लोकसभा सांसद थे, पूर्व में मंत्री थे, विधायक थे, उन्होंने 30 नेताओं ने पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और कम से कम सैकड़ों जो और नेता थे, जो कोई ब्लॉक समिति का चेयरमैन था, कोई सरपंच है, कोई चेयरमैन था, या कोई अपने जिला के प्रधान थे, उन्होंने
लगातार कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जिसका जो महत्वाकांक्षी की जो बात करते हैं वो कहता मैं ही कांग्रेस हूँ, मुझे ही सब कुछ दे दो। वो लोग उन लोगों को दरकिनारे लगाया हुआ था, वो लोग जो सेटिंग करे बैठे थे भारतीय जनता पार्टी से। एक बात पूछना चाहता हूँ, मनोहरलाल खट्टर जी ने एक बात कही थी कि कुलदीप बिश्नोई काफी सालों से हमारे संपर्क में थे, हमारे साथी है, हमारे मित्र है, और उन्होंने भी कहा था भी मनोहरलाल खट्टर जी के साथ मेरे संपर्क थे और मैंने पार्टी छोड़ दी। आज कांग्रेस का विधायक होने के बाद और करनाल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी और अहम जानकारी। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, करीब 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, प्रदेश को देंगे करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात। करीब 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम मनोहर लाल, ये बड़ी और अहम जानकारी। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, तो प्रदेश को देंगे करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंच चुके हैं, आज करनाल में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो डिजिटल माध्यम से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। करनाल को भी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात वो देंगे, इसके अलावा प्रदेश की जनता को करोड़ रुपए की सौगात वो देंगे, ये बड़ी और अहम जानकारी। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो वहीं लक्ष्य हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। लक्ष्य आपसे जानना चाहेंगे, सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरह की तैयारियां वहां पर देखी जा रही हैं? मनोहरलाल खट्टर जो है करनाल पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, करनाल से विधायक है मुख्यमंत्री। करीब 11 बजे मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो वर्चुअल कार्यक्रम है वो शुरुआत हो जाएगा। पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम है और कहीं ना कहीं जो है आज मुख्यमंत्री काफी करोड़ों की सौगात जो है प्रदेश को देने जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए, करीब 2000 करोड़ रुपए की आज ऐसी जो परियोजना है और उद्घाटन है मुख्यमंत्री आज करने जा रहे हैं करनाल से। और ऐसे में जिस तरीके से बात की जाए, करीब 96 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका मुख्यमंत्री आज उद्घाटन करेंगे और इसके साथ साथ 73 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका मुख्यमंत्री आज शिलान्यास करेंगे। कहीं ना कहीं जो ये योजनाएं और परियोजनाएं इससे कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों को कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा। अभी कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री अब जो है संबोधित करेंगे पब्लिक को, पूरे प्रदेशवासियों को, उसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री बता पाएंगे कि आखिर किन योजनाओं से परियोजनाओं से किन लोगों को लाभ मिलेगा, क्या कुछ ऐसी जो बेसिकली जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री अभी मछली जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेशवासियों को बता पाएंगे। जी प्रोफेसर विदुर रावल जी, आपके पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक तरफ कांग्रेस की हल्ला बोल रैली की जा रही है, हरियाणा से भी हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जो है वो रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में एक तरफ जहां मनोहर लाल जो है वो आज करनाल पहुंचे हैं, करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात वो जनता को देने जा रहे हैं, क्या लगता है, क्या कांग्रेस की हल्ला बोल रैली का जनता पर असर पड़ेगा, या जिस तरह से जो सीएम मनोहर लाल जनता के बीच पहुंचकर उनको लगातार जो है करोड़ों की सौगात, कई परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, उसका असर जनता पर पड़ेगा? देखिए आज 96 के करीब योजनाओं का डॉक्टर मंगल सेन भवन में ऑनलाइन जो है वो शिलान्यास करेंगे जी। मुझे इको आ रहे को प्लीज फिक्स करवा दीजिए, इको को प्लीज फिक्स जी बिल्कुल। तो ये जो 2000 करोड़ के करीब करीब की जो योजनाएं जो है आज हमारे सामने आएंगी, ये प्रदेश की जनता को समर्पित है। जिस प्रकार से हरियाणा चहुमुखी विकास कर रहा है, मनोहरलाल जी के नेतृत्व में हरियाणा ने 2014 से अब तक कितना बड़ा एक कायापलट हुआ है हरियाणा के अंदर, लोगों के जीवन में किस प्रकार से सुखद अनुभव आए हैं, किस प्रकार से पर कैपिटा इनकम जो 1.25 लाख हुआ करती थी कांग्रेस के जमाने में 2014 में, वो आज बढ़कर 2.75 लाख हो गई है। किस प्रकार से हमारे जो जीडीपी था कांग्रेस के समय 4.25 लाख करोड़ रुपए का था, आज 8 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। किस प्रकार से हमने पूरे देश के अंदर तीसरे स्थान पर आते हैं सबसे सस्ते डीजल और पेट्रोल देने की बात करते हैं, और कांग्रेस शासित जो एक इक्का दुक्का राज्य है वो टॉप कर रहे हैं। किस प्रकार से हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, किस प्रकार से हमने भाई भतीजावाद पर अंकुश लगाया, किस प्रकार से हम एक सुखद अनुभव दे पा रहे हैं, हमारी पार्टी भी स्थिर है, कांग्रेस की तरह हमारे घर में भी बिखराव नहीं है। और अभी अभी भाई साहब कह रहे थे, मैं बहुत इज्जत करता हूं बजरंग दास जी की, वैसे भी इज्जतदार व्यक्ति हैं वो,
उनकी पार्टी में तो पार्टी छोड़ने का एक सिलसिला चल रहा है। थोड़े दिनों पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश से छोड़ी थी, अभी थोड़े दिनों पहले कपिल सिब्बल जी ने छोड़ी थी। कपिल सिब्बल जी वो जो वरिष्ठ मंत्री हुआ करते थे, इसी प्रकार से अभी गुलाम नबी आजाद जी छोड़कर आज एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं। अनुमान तो ये है कि राहुल गांधी जी की रैली से ज्यादा संख्या जम्मू के अंदर गुलाम नबी आजाद की रैली में होने वाली है। हेमंत विश्व शर्मा असम से छोड़ गए, मनीष तिवारी किस प्रकार की कह रहे हैं बातें हम सुन रहे हैं, मनीष तिवारी पंजाब से झटका देने की तैयारी में है। किस प्रकार से बलराम माफी चाहूंगा सुनील जाखड़ जी जो है उन्होंने पंजाब कांग्रेस को छोड़ दिया, कुलदीप बिश्नोई जो है उन्होंने हरियाणा को छोड़ दिया, हार्दिक पटेल ने गुजरात कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कांग्रेस को ही छोड़ दिया, पृथ्वीराज चौहान जो है वो किस प्रकार की बात कर रहे हैं, पूर्व में ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार तक, तारिक अनवर से लेकर पीएस आंगमा तक जो है किस प्रकार कर चुके हैं। अभी मेरे जो वरिष्ठ भाई साहब हैं उन्होंने एक बात कही कि 30 के करीब लोगों ने कोई पंच, कोई गांव का पंच था, कोई गांव का ब्लॉक समिति का सदस्य था, कोई जिला परिषद का था, कोई एक आध विधायक भी था, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। तो मुझे एक का नाम बता दें जो पहले कांग्रेस में नहीं रहा और अब कांग्रेस में आया है, कोई एक जो विशुद्ध रूप से आया हो। और जहां तक संपर्क संबंध की बात है तो संबंध तो मेरे और भाई साहब के भी बहुत अच्छे हैं, तो इन संबंधों से क्या निकलेगा। अगर संबंध मेरे भाई साहब के बजरंगदास जी के अच्छे हैं, इसका मतलब बजरंगदास जी के चरित्र पर कोई उंगली थोड़ी उठा सकता है। ये अपनी पार्टी का काम करते हैं, हम अपनी पार्टी का करते हैं, अपनी पार्टियों में काम करते हुए भी संबंध अच्छे रह सकते हैं। और बजरंगदास जी तो अच्छे से जानते हैं, बजरंगदास जी के सभी पार्टियों में संबंध है, सब जानते हैं, बड़े नेता हैं ये, तो सब नहीं कहने चाहिए। इसके साथ साथ जो ये महंगाई है, ये महंगाई भारत जो है इकोनॉमीज में सबसे कम अगर महंगाई है तो भारत में है, पहली बात। दूसरी बात, जिन अंग्रेजों ने अपने मित्रों को, कांग्रेस के अपने साथियों को सत्ता का हस्तांतरण कर ब्रिटेन चले गए थे, आज भारत ने कल के दिन उस ब्रिटेन की इकोनॉमी से भी ऊपर बढ़ गई है। आज भारत पांचवें अर्थ महाशक्ति बन चुकी है, पांचवें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था आ गई है। बजरंगदास जी जिन अंग्रेजों ने नेहरू जी की सत्ता सुनी थी उन अंग्रेजों को भी मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया। जी बजरंगदास जी बहुत कम शब्दों में यहाँ पर आपको अपना जवाब देने का मौका देंगे क्योंकि इसके बाद सीएम का जो कार्यक्रम है वो भी शुरू होने वाला है। जी आप बात सुन लीजिए जी, जहाँ महंगाई की बात, आज मुद्दा महंगाई बेरोजगारी रैली का है। महंगाई की स्थिति क्या है जब से देश आजाद हुआ है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विदुर रावल जी और बसंत दास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और रुक लेते हैं बड़ी खबर की ओर, करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश को देंगे करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात, करीब 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात सीएम यहां पर देंगे और डिजिटल माध्यम से यहां पर इन परियोजनाओं की सौगात प्रदेश की जनता को देंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और आपको सीधा लिए चलते करनाल जहां